चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम फ्रॉड की। आपने दोस्तों टाइटल देख ही लिया होगा, क्विक सपोर्ट। तो दोस्तों एक ये बेहतरीन ऐप है, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल फ्रॉड लोग कर रहे हैं पेटीएम से पैसा उड़ाने के और यूपीआई जैसे माध्यम से पैसा उड़ाने का। केवाईसी अपडेट के लिए कॉल आती है और उसके जरिए ये लोग इस ऐप के थ्रू आपके खाते से पैसा उड़ा लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हमें जानना होगा कि क्विक सपोर्ट है क्या। तो दोस्तों क्विक सपोर्ट एक रिमोट की तरह काम करता है, यानी आपका जो डिवाइस है वो कहीं और भी किसी और डिवाइस या कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको एक्सेस देना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है। तो ये जो शातिर फ्रॉड जो करते हैं, ये लोग आपके मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं, उसके बाद आपसे परमिशन लेकर के ये फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों क्विक सपोर्ट जो ऐप है वो एक बेहतरीन ऐप इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि कई लोग मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चला पाते और कोई परेशानी या दिक्कत आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए कई लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कहीं दूर बैठा इंजीनियर या कोई आपका फैमिली मेंबर जो आपके डिवाइस को एक्सेस करके आपकी मदद कर सकता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, कहीं पर भी हो विश्व के कोने में, अगर आप चाहें तो अपने डिवाइस का एक्सेस उसको दे सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो दोस्तों ये ऐप है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हैकर्स कर रहे हैं आजकल केवाईसी अपडेट के नाम पर। होता ये है कि केवाईसी अपडेट के नाम पर ये ऐप डाउनलोड करा लिया जाता है और उसके बाद वो सारे एक्सेस अपने पास ले लेते हैं और थोड़ी ही देर में सारा अकाउंट साफ हो जाता है। तो ये लोग कैसे करते हैं ये चीजें, एक ऑडियो क्लिप है मेरे पास, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें ताकि कोई भी अपडेट या नई वीडियो आए तो आप वो जल्द से जल्द देख पाए। तो दोस्तों होता सिंपल सा है कि आजकल सभी वैलेट या डिजिटल ऐप जो कि पेमेंट रखते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया या बैंक के कई सारे ऐप, तो दोस्तों ये लोग उसी पर वार करते हैं और इसी ऐप के थ्रू और इसके जैसे कई सारे ऐप आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में आता है और भी कई हैं जो रिमोट एक्सेस ऐप होते हैं। तो दोस्तों उसी के थ्रू ये आपके मोबाइल में घुसते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आजकल कई लोग डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे और कई सारे ऑप्शन है। कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो सिस्टम है पेमेंट करते समय नहीं उठाता किसी भी कारण से, सर्वर की प्रॉब्लम से, या कभी कभी ये हैकर भी उसको हैक कर लेते हैं, तो लूज पोल कंपनी के ऐप में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जब आपकी पेमेंट दो चार बार नहीं हो पाती, जैसे किसी दुकान पर गए या कोई और चीज आपने खरीदी उसकी पेमेंट करते समय नहीं हो पाती और अचानक से आपके पास एक मैसेज आता है कि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, तो कृपया इस नंबर पे संपर्क करें। ऐसे स्क्रीनशॉट पे मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके के मैसेज आते हैं। फिर कई लोग होते हैं कि जब कई लोगों के पास ऐसा मैसेज पहुंचता है दोस्तों, तो वो उस कॉल को कर लेते हैं। कॉल करने के बाद थोड़ी देर में या तो आपके पास मैसेज आता है कॉल भी लेटर का, या फिर थोड़ी देर बाद उनका फोन आ जाता है और वो फिर आपसे पूछते हैं कि आपने यहाँ पे फोन किया, तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद शुरू होता है इनका काम। ये आपसे उस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं। अब जो बंदा समझदार होता है वो समझ जाता है, लेकिन अगर 5,000-10,000 लोगों को ऐसे मैसेज गए तो उसमें से एक आध आदमी फंस भी जाता है। तो दोस्तों जब उससे बोला जाता है कि आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, 60% है, 40% है, इसको पूरा करिए, लिमिट बढ़ेगी और कई सारी चीजें बताते हैं, उसके बाद
वो इस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है क्विक सपोर्ट। तो लोगों को लगता है कि शायद ये जल्दी सपोर्ट करने वाला कोई ऐप है या फिर कंपनी का ही कोई ऐसा ऐप है जिसकी वजह से केवाईसी होगी। तो नाम भी कुछ इस तरीके का है कि आदमी को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों उसको करने के बाद ये आपके डिवाइस को एक्सेस कर लेता है, आपसे कोड मांगता है। कोड मांगने के बाद वो अलाउ करने के लिए बोलता है। उसके तुरंत बाद आपकी जो स्क्रीन है वो उसके कंप्यूटर या मोबाइल पर दिखनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो आपको वैलेट पे जाने के लिए कहता है। वैलेट पे जाने के बाद पेटीएम में लॉगिन करवा के अंदर घुसता है। उसके बाद फिर वो एक ऑप्शन रखता है कि आप अपने आप वैलेट में एक 10 रुपए 1 रुपए वैलेट में जोड़िए। तो दोस्तों वैलेट में आप जब जोड़ने जाते हैं तो सारे पासवर्ड सारे लिंक उसको वहां पर दिख रहे होते हैं और वो थोड़ी ही देर में ये सारी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देता है। आपके पास जब तक मैसेज आ रहे होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो आपको फिर भी फंसा के रखता है दोस्तों, फिर भी वो फंसा के रखता है। बोलता है ये पैसा वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। जब तक इतनी देर में वो पूरा अकाउंट आपके सारे खाली करने शुरू कर देता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही साधन है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, एक ट्रांजैक्शन का मैसेज जैसे ही आए आप तुरंत अपना नेट बंद कर दीजिए और इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए या ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए और तुरंत अपने नेट को बंद कर दीजिए। तो उससे एक्सेस हट जाता है और जितना भी पैसा गया है बस वही जा करके रह जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हैकर्स काम करते हैं और केवाईसी अपडेट के नाम पर इस अच्छे ऐप को बुरा ऐप बना दिया गया है। और दोस्तों आने वाले टाइम पे शायद ये बंद भी हो जाए ऐप, क्योंकि एक एनीडेक्स करके एक ऐप था जिसपे गवर्नमेंट ने लगा दिया था कि इसको बंद कर दिया जाए। तो इसी तरीके से ऐसे कई सारे ऐप हैं जो एक्सेस करते हैं रिमोट को। तो उसको वैसे तो डाउनलोड ही ना करें, बहुत जरूरी हो तभी डाउनलोड करें। और अगर कोई कहता है आपको डाउनलोड करने के लिए फोन पर तो उसको कभी ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।